सुस्वागतम वेलकम आप सभी साथियों का, सभी साथियों को नववर्ष की हार्दिक बधाई। और आज यानी कि 1 जनवरी 2023 के इस पावन पर्व के नववर्ष पर आपको ये संकल्प लेना है कि आने वाला एक साल में यानी आने वाले नववर्ष तक आप जो है राज्य की सेवा में चयनित हो जाएं। और उसके लिए एक बहुत शानदार वैकेंसी आने वाली, क्योंकि अलग अलग वैकेंसी की अलग अलग योग्यता है, लेकिन ये जो वैकेंसी है इसके लिए वो कॉमन एलिजिबिलिटी पात्रता रखी गई है, एलिजिबिलिटी नॉर्मल रखी गई है, वो है 10वीं पास। तो इसमें ज़्यादातर दिव्यांग जो है फॉर्म भर पाएंगे जहाँ तक मुझे लगता है। अब बात आती है दिव्यांग पशु परिचर के एग्जाम फॉर्म को लेकर, कब एग्जाम, ये सारा का सारा काम अपना नहीं है, ये काम विभाग का कर्मचारी चयन बोर्ड का काम है, वो उनका काम करेंगे। अब हम जो है अपना काम करें और वो है तैयारी करना। और खास करके अगर हम बात करें दिव्यांगजन से रिलेटेड, यानी दिव्यांगजन कैसे करें तैयारी, पशु परिचर की तैयारी दिव्यांगजन कैसे करें, है ना। तो बेरोजगार दिव्यांग अगर आप हैं, है ना, बेरोजगार दिव्यांग अगर आप जो हैं बेरोजगार हैं, अगर आपके पास कोई रोजगार नहीं है तो ये वीडियो जो है आप जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिव्यांग जन से रिलेटेड ही करेंगे बात, लेकिन दिव्यांग जन कैसे पशु परिचर की तैयारी करें उसकी हम बात करने वाले हैं। मैं खुद एक दिव्यांग हूँ, LD कैटेगरी से आता हूँ, और LD कैटेगरी में जो है नॉन DSV में 53 सीटें हैं। तो 53 सीटों के अंदर हमें जो है अपना स्थान कैसे सुनिश्चित करना है ये हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो दिव्यांग जन कैसे करें, क्योंकि उनकी वो कोचिंग जाने में उनको प्रॉब्लम होती है कि भाई ऑफलाइन कोचिंग तो जा नहीं सकते, कैसे हमें तैयारी करनी है उसके बाद हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए आइए पूरी रणनीति देखते हैं। देखिए, एक तो नॉर्मल जो दिव्यांग नहीं है वो तैयारी करते हैं, और एक दिव्यांग जो तैयारी करते हैं उनमें दिन रात का अंतर होता है, क्योंकि वो तो कैसे न कैसे सेटलमेंट कर लेते हैं, उनको बैठने का मतलब सीटिंग पावर भी ज़्यादा होती है, सारा का सारा फंडा ज़्यादा है। लेकिन दिव्यांगों के संदर्भ में अगर हम बात करें तो देखिए, ऑफलाइन कोचिंग में तो दिव्यांगों को बहुत ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। अगर जहाँ तक मेरी बात कहूँ कि भाई हमारे हिसाब से, तो अगर आपकी आर्थिक स्थिति लगभग ठीक है, नॉर्मल अगर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक है, तो आप जो है ऑनलाइन कोर्स जो होते हैं परचेस कर सकते हैं, पहले बातों में, क्योंकि उसमें समझने में आसानी होती है। देखिए, इसमें बी पार्ट जो है वो थोड़ा कठिन है ना, ये कहने का मतलब हमने कभी पढ़ा नहीं है तो उसके लिए, लेकिन पहले हम इसका नॉर्मल देख लेते हैं। स्कीम ये है, रहेगी पार्ट रहेगा 105 नंबर का, पार्ट रहेगा 145 नंबर का, टोटल 3 घंटे का समय होगा इसमें। ये है, इसमें आता है प्रश्नों की संख्या 105 और पूर्णांक भी है 105, 12.70% है। भाग अ, भाग अ में क्या है, राजस्थान राज्य विषय संदर्भ के साथ माध्यम स्तर के सामान्य ज्ञान, यानी कि 10वीं तक के सामान्य ज्ञान, जिसमें दैनिक विज्ञान, विज्ञान आप कक्षा 6 से लगाकर 10 तक की, है ना, साइंस की बुक RBSE की पुणे गोट लो, गणित रही कक्षा 6 से लगाकर 10 तक, है ना, कक्षा 6 से लगाकर 10 तक की गणित, ये हमारे काम की है। उसके अलावा सामाजिक अध्ययन, यही 6 से अलग अगर 8 तक। भूगोल की अगर हम बात करें, अगर देखिए राजस्थान जीके तो लगभग सब पढ़ ही रहे हैं, और जो भी आपकी क्या किताब है, है ना, देखिए इसमें ऑनलाइन कोर्स की जरूरत वैसे नहीं पड़ेगी, इन चीज़ों में नहीं पड़ती है, क्योंकि हमने पढ़ ही रखी है भूगोल, और जिन्होंने नहीं पढ़ रखी उनके लिए ही अगर हम बात करें तो 6 से लगाकर 10वीं तक की जो किताबें चलती है RBSE की, हमारा राजस्थान करके, वो है। अगर आप गाइड की अगर हम बात करें तो 2 गाइड जो है सबसे बेस्ट मुझे लगती है, अगर जैसे डीपली है, सिखवाल जो है डीपली बहुत है, सिखवाल जो हमारे गाइड आती है वो डीपली ज़्यादा है। इसके अलावा एक नाथ पब्लिकेशन की भी आती है, वो भी बहुत अच्छी किताब आती है। इसके अलावा इस एक सबसे ज़्यादा अगर जहाँ तक मेरी चॉइस से पसंद है वो है दिदवाल पब्लिकेशन। हाँ, ये भूगोल में सही रहेगी, कला में भी यही रहेगी, और संस्कृति में भी यही रहेगी, ठीक है। और समसामयिक विषय उत्कर्ष जो है बुक आती है नरेंद्र सर चौधरी सर की, या इसके अलावा ये मुमल जो आती है उनसे ये जो करंट अफेयर्स कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है, ये बेस्ट बुक रहेगी तैयारी के लिए। दिव्यांगजन के संदर्भ की बात कर रहा हूँ, आर्थिक स्थिति कैसी है ये बाद में बात करेंगे। प्रश्नों की संख्या 45, भाग ब 12.30% का रहेगा, और पूर्णांक रहेगा 45 नंबर का। ये यहाँ पे आके हम जो है अटक जाते हैं, क्योंकि ये इसका कुछ नहीं है। इसके अलावा 2 जो है रामबाण में आपको बताना चाहूँगा। फर्स्ट तो है कक्षा 11 RBSE की बात कर रहा हूँ, कक्षा 12, क्योंकि 6 से लगकर 10 तक पशुपालन है ही नहीं। 11 और 12 में एक बुक चलती है एग्रीकल्चर, जो स्टूडेंट हैं उनकी एक बुक चलती है एग्रीकल्चर कृषि विज्ञान करके एक बुक चलती है, उसमें कुछ लेसन जो है 11 में और कुछ 12 में इनसे टॉपिक्स दिए हुए हैं, उनमें आपको सारा डाटा मिल जाएगा और पेपर वहीं से उठाया जाएगा। इसके अलावा हम पढ़ तो नहीं सकते अगर हमें तैयार हो ज़्यादा अच्छी आर्थिक स्थिति आप किसी, तो आप जो है ऑनलाइन कोर्स परचेस कर सकते हैं। ऑनलाइन परचेस की अगर हम बात करें तो कई सारे ऑनलाइन कोर्स
ट्रेनिंग में चलते हैं। खास करके अगर हम बात करें ट्रेनिंग वाले, तो उत्कर्ष क्लासेस बहुत अच्छे हैं, जो सर हैं उत्कर्ष क्लासेस, आशीष जी के सर, सुभाष सर, इनके जो ऑनलाइन कोर्स होते हैं सस्ते सस्ते अच्छे हैं, वो आप ले सकते हैं। पार्ट बी की खास करके हम बात करें तो इसके अलावा 11-12 ठीक है ना। और उसके अलावा मैं बात करूँ तो अभी सर की बुक आई नहीं है, लक्ष्मण सर की उत्कर्ष क्लास में जो सर पढ़ाते हैं हमारे, उनकी पशु परिचय की किताब बहुत जल्द आएगी, तो उनको आप परचेस कर दें। ये तीन चीज़ें रामबाण है मेरे हिसाब से, मैं जहाँ तक अनुभव हूँ तो इसके लिए। तो पहला वाला पार्ट तो आप कैसे कैसे करके जुगाड़ बिठा के कम्प्लीट कर ही लेंगे। पार्ट बी में हमें जो है ज़्यादा प्रॉब्लम आएंगी दिव्यांगजनों का, अगर हम बात करें, क्योंकि हम ऑनलाइन कोचिंग तो कर नहीं सकते, सॉरी ऑफलाइन तो कर नहीं सकते। ऑनलाइन में ये जो 45 नंबर का मामला है, ये जो है आप 11-12 की RBSE बुक या फिर कोई भी ऑनलाइन कोर्स सुभाष सर का, आशीष सर का, उत्कर्ष क्लासेस का, वो ले सकते हैं। वो भी नहीं चाहते आपको तो आप किताब ले सकते हैं नॉर्मल वाली, या फिर 11 और 12 ये दोनों किताबें तो आप पढ़ ही लीजिए, ठीक है ना। इस तरह से आप पार्ट बी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें आराम से आप जो है अच्छा स्कोर कर पाएंगे 11 और 12 से, ठीक है। लगभग आप मान के चलो 25 प्लस तो आप आराम से RBSE की बुक को नॉर्मल पढ़ोगे ना ऊपर से, तो भी कर पाओगे, है ना। और पार्ट ए में आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, ये तो नॉर्मल वाली ये सब कर ही लेते हैं। तो इस टाइप से जो है दिव्यांगजन आप अपना जो है कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपको और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट करें, मैं अवश्य आपका जवाब देने का प्रयास करूँगा, ठीक है ना। तो दिव्यांगजन इस टाइप से इसकी तैयारी कर सकते हैं, नॉर्मल कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ठीक है।